मोदी का तो नाम ही नहीं लेना, असी तो लेना यह नाम है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये नाम ही है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। देखो जी दीदी इनू कि रोटी दे रहे बेचारे अन्नदाता, वो फिक्र ही नहीं है। साढ़े 400 बंदा शहीद हो गया, इनू कोई फिक्र नहीं। ये व्यापारियों की सरकार आ, एक व्यापारी शहीद हो जाते थे अखा चो अंजू आ जाते, साढ़ा 400 बंदा शहीद हो गया, उन्होंने इनू फिक्र ही, क्योंकि इन्हों लगते पागल आ। हम तो अत्तवादी कह रहे हैं कंगना मैडम, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पता है कि ये सही लिए लड़ रहे हैं, मैं इन्हें खिलाफ खड़ना है, क्योंकि मोदी सरकार ने इन्होंने पैसे दिते हैं। नहीं हूँ पहला भी सरकार ने आतंकवादियों कहा सीगा, अज भी खालिस्तानी आतंकवादियों कही जांदियां ने। 100 कम है इन्हों, ये किसानों वांगू नहीं आ, ये तो इतना कानून बनाते, कल जाके उधर उसे अपनी पार्लीमेंट बह के राज्यसभा के दो कानून तो पास हो गए, तीजा है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट, ये जे आ पास हो गया असी मर जाएंगे। तो नाले कैप्टन सरकार साढ़े बसा के टैक्सिस मुफ्त कर रही है, जे इन्होंने कुछ करना सीगा ना बस के टैक्सिस मुफ्त नहीं करने चाहिए सी, इन्होंने दस की करना चाहिए सी। एजुकेशन हम देखो सरकारी स्कूल लैके जाना थोड़ा 11 फीस से, पिछली गलियों क्वार्टरों से की है इदा जिम्मे कि इदा उपरों नहर वग रही है, बेचारे गंदे पानी बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं। तो देखो जून 5 कल 1 साल हो, देखो यार कानून उदो बनाने होंगे जो कोई एमरजेंसी हो जाती है। मोदी सरकार नू की एमरजेंसी सी मैनू दसो, थोड़ी वीडियो सारे वेखते हैं, मोदी सरकार भी वेखते हो लेकिन वेखते दूसरी आई डी तो, ये सारे उन्होंने सच पता है। कहता सरकार जड़िया ने सारिया वीडियो देखदिया ने, मोदी साहब भी देखते हैं पर दूसरी आई डी तो देखते हैं, पता उन्होंने सारा लगता है कौन की करता है। अच्छा सरकार तो हाले तक यही कही जाती है भी कानून चंगे ने, पर किसानों समझ नहीं आ रही, कोई आया इतने लीडर थोड़ा समझाने भी कानून चंगे किवें ने? सानू तो कोई लीडर नहीं आया, वो तो पार्लीमेंट च बैठते हैं, कैप्टन फार्म हाउस च बैठता है, मोदी अपने मोदी महल हूँ देखो, मोदी महल का 13 करोड़ रुपया खर्चा है, 13,000 करोड़। तो वह देखो ये राम मंदिर तो इन्होंने खुद खर्चा किया, मोदी महल तो खुद कर रहे, जो तो करोना की वारी आई असी खुद पैसे पाइए, ये की गल है? ये सरकार तो साढ़े हक खोन की आदत पै गई है, जे असी हूं ना लड़े, देखो इन्हें साढ़े खेत खोले, इन नोटबंदी करती जो की मोदी सरकार आई है, जे असी हूं ना लड़े ना साड़ी की रह गई, गड्डिया भी कन्नू रह गई, साड़े घर भी कन्नू रह गए, साड़ी दुकाना, इन्होंने आ भी वेच देना जी असी हूँ संघर्ष ना किया। सानू संघर्ष करने की लोड़ है हूँ, जिम्मे कि कल साढ़े गुरनाम सिंह चढ़ूनी सर आए थे, प्यार नाल समझाया उन्होंने, असी उन्होंने नाल गल भी की, देखो असी सरकार सिट्टा दिता, उन्होंने नहीं मनिया असी कोई गल नहीं, असी आराम नाल शांतिपूर्वक तरीके नाल बैठे हाँ, इन्होंने अपने बड़े बंदे भेजने आ साड़ा अंदोलन खराब करने लिए, पर असं खराब नहीं होने देवे, सरकार साढ़े की गोलियां मार सकती हैं, हथियार चला सकती, पर असं नहीं चला सकते। भी इन्होंने चीज़ों पर चलते हो भी जबर का मुकाबला सबर के ना ही करना दी? देखो जबर का मुकाबला सबर के ना ही होंगे, सबर का फल मिठा होंगे, हम आप सबर न बैठे हाँ, चाहे सार 4 साल लगन सू, चाहे 1 साल लगन, चाहे अज ही कानून रद्द हो जाए, अज तो होने नहीं, ये सरकार मंगने वाली तो है नहीं, जो हो जाए तो ज़्यादा वधिया। पर देखो दीदी सारे प्रोफेशन तो कोई ना कोई वीक च एक छुट्टी आती है, किसान की कदों छुट्टी होंगी है? जो तो वो तो 24 घंटे काम करता 12 महीने। देखो हूँ जिमें कि मैं देखो सर बच्चों कदों छुट्टियाँ होंगे मेन, ज़्यादा गर्मी हुई जाए तो फिर ज़्यादा ज़्यादा सर्दी, जो असं देखो मैं जाके आया अपने नानके, मेरे नाने खुद किसान, मैं देखिए वो 12 बजे खेत जाते रहे हैं, सारे किसानों का काम है, किन्नी गर्मी हुई सूरज नीचे आ, देखो असं तो इतने खड़े हाँ, सानू कि असं तो हूँ एसी च बैठ जाना है, लेकिन किसान वो देख लो इन्नी मेहनत करता कि मैं एक दिन एसी च नहीं भी बैठूंगा कोई गल नहीं, मैं घर उन्हें एक दिन नहीं, वो तो 24-12 महीने नहीं बैठता, वो बस आ सोचता कि मैं लोगों को अनाज पहुँचावा। तो मोदी सरकार दसो किस करके जी रहे हैं? साडे किसानां करके, जे रोटी ना मिलती ना इसका इलाज नहीं, ये रही ना इस दुनिया। जे थोड़ी गल करिए तो कि क्लास चो तुसीं? मैं 6th क्लास जी, मैं सेंट स्टीफन स्कूल च, मैं 10 ग्यारह की लेटर से रोज़ खड़ता, आप ना ही किसी के खिलाफ जाइए, बस मोदी सरकार के खिलाफ, किसान विरोधी के खिलाफ, आप रामदेव जी तो आप गल ही नहीं करनी, वो बाबा रामदेव नहीं, वो व्यापारी रामदेव है, वो नवे नवे चीज़ें दसी जाते हैं, कहते नवे नवे नुस्खे कट कट के लेके आते हैं, मानते हो उन्होंने फिर? दीदी जेडे देखो ये तो पहले मैं थोड़ा पतंजलि की गल कर लिए, एक बना के इसका समान रहे किसानों के, इन्हों होर कोई काम नहीं है, ये योगा करते हैं, योगा करो सेहत लिए अच्छा, लेकिन दीदी गुलाम तो नहीं बनाओ ना, इधर तो कंगना मैम भी कहती कि मैं किसानों के नाल हाँ, जे हैगी तो फिर तुम उसे दिल्ली के बॉर्डर क्यों नहीं जा रहे? दलजीत दोसांझ भाई साउथ अफ्रीका तो आई सीधा पहुंची उत्थे, साडा कोई भी क्रिकेट सारे ने इस्तीफा देता कि असं किसानों के खिलाफ हाँ, सिर्फ एक बंदा सीगा हरप्रीत बराड़, उन्हें दिता कि मैं किसानों के नाल हाँ, क्योंकि उन्हें देखे हुए किसान का जीवन, विराट कोहली भी किसानों के खिलाफ जा रहे, चाहे सिख है
पर असीं कुछ नहीं कहना इहनूं क्योंकि सानूं पता है मोदी सरकार ने पैसे दित्ते इहनूं। अच्छा जिहड़ी पढ़ाई है वह पढ़ाई तो करा नहीं रहे हैगे, स्कूल जिहड़े ने बंद पए ने इस टाइम उत्ते, बाकी सारियां चीज़ां खुल्लियां ने, बसां दे विच वी जा सकदे हो, ढिल फेर देती वी गड्डी दे विच तुसीं ज़्यादा बंदे जा सकदे हो, फिर स्कूल क्यों नहीं खोलदे? दीदी इहनूं दस्सो की पंगा है सरकार नूं, जे इहनां स्कूल खोलदे इन्हें तो एजुकेशन सिस्टम तो लो है पहले ही। सरकार देखो हूँ चंडीगढ़ जी स्कूल थोड़े बहुत अच्छे सारे नहीं है, देखो हूँ ये सरकार देखो पहले ही इन्हें खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, ये कह रहे कि असं हले रुक जाइए क्योंकि जे हले बैठे हैं नहीं तो साडा एजुकेशन सिस्टम लीक हो जाना है क्योंकि साडा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भी वधिया नहीं है। अच्छा ऐ दस जे मोदी साहब नूं तेरे कोल लियाइए फिर उन्होंने की कहेंगे? मैं तो दीदी असं जिहड़े भी किसान वीर दिल्ली च बैठे जाए इतने घड़ी असं दो मंगा लैके बैठे हैं, तीनों कानून रद्द कर दो, तो MSP कानून बना दो। तो पहली गल कौन कहता कि बच्चों तीनों कानून नहीं पता, ABFC एक्ट 2020 पहला कानून, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2020, तीजा है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट जोड़ा हाले राज्यसभा जो पास नहीं होया, जे पास हो गया ना दीदी फिर तो बड़ा मंगा पै जाना इस दुनिया च। ये मोदी सरकार देखो पहले तो असं मंडी च बेचते हैं, हूँ असं देखो दीदी मैकडोनल्ड्स वाले ने जी सानू ऑर्डर देता, जे वो कहन कि तुम इन्ने किलो मंगवाए इस कंपनी के, दीदी हूँ उस किसान बेचारे थोड़ी कंट्रोल है कि इदा ही उगणगे, सोचूगा पहले उन्होंने की करना पेगा, तो जो उन्हें उगा ली तो उत्थे चल गया, वो तो कहने कि सानू लोड़ नहीं, सानू हो रहा लॉस, इन्होंने हो रहा प्रॉफिट। देखो हम आप सारे की रिस्पैक्ट करनी है, जोड़ा मोदी है असं मोदी जी कहने, जोड़े कोई भी है असं किसान आगू वो नाल खड़े हाँ। देखो किसान आगू जोड़े है ना बहुत सही काम कर रहे हैं, एक कोई भी ऐसे किसान आगू नहीं है जो नहीं कर रहे। देखो हूँ करोना की महामारी भी चल रही है, सरकार कह रही करोना बढ़े करोना बढ़े, जो करोना है तो फिर तुम अंदाजा उ क्यों बैठाया? दिल्ली गए से तुसी? मैं दीदी एक बार हाले तक गया नहीं, मौका नहीं मिले क्योंकि पढ़ाई भी ज़्यादा जरूरी, जैस ऑनलाइन एजुकेशन चल रही, पेपर्स भी होंगे है। लेकिन दीदी मैं जिमें कि हूँ रैली सी साड़ी 26 तरीक की काला दिवस, मैं सारे रूट पर गया, सिंह शहीद तो इतने कभी इतने इतने इतों मैं भज के भी गया, लोग कहने की झूठ है, मैं बेस्ट भज के गया खुद, ठीक है उत्थे जाके मैं मैंने 100 इतनी मीडिया आई है, मैं पहले ही कहता मोदी सरकार आ ना समझ कि बच्चे किसी ने लिख के देता हूँ, दीदी असं खुद हिस्ट्री पढ़ते हैं, इदा नहीं है कि देखो कल तो इतना कंगना मैम कहते कि अत्तवादी आ गए हैं, झंडा नीचे लगा दी था अत्तवादी, दसो दीदी असं जो अत्तवादी है तो की प्रॉब्लम अत्तवादी, लेकिन वो होंगे जिसे को बंदूकों होंगी है, अत्तवादी के हाथ से होंगी इदा बंदूकों तो इदा मारद, जोड़ा किसान होंगे उसके हाथ होंगे झंडा, असं देखो अनाज पैदा करते हैं सारे लोगों को देना है, ना ही किसी के खिलाफ जाना है, किसान आगू भी उत्थे कह के बैठे कि असीं सरकार के खिलाफ हाँ, बस असीं होर किसी के खिलाफ नहीं है। अच्छा ये दस तैनूं तू इत्थे धुप्प दे विच खड़दा फिर तैनूं गर्मी नहीं लगती है? पसीने भी दीदी जदों रश हुंदा ना दिलों सर्दी आ जाती है, ठंड लगती है दिलों की, इतने यार देखो किसान की लोग खड़े हैं कि मोदी सरकार ना कोई नहीं खड़े, सन तो ठंड लगती है सबों अगे। बिल्कुल जी, कहता भी साढ़े दिल में ठंडक पहुँचती है, कहने का मतलब है भी जो लोग इतने आते हैं, लोग इतने खड़े होकर नारे लाते हैं, जो लोग इन्हों का समर्थन करते हैं तो उदों साढ़े दिल में ठंडक मिलती है, गर्मी के धुप्प के भी सूँ ठंडा ठंडा महसूस होना शुरू हो जाता है। सो ये बच्चे दियां गल्लां ने, ये 6th क्लास के बच्चा है तो ये बच्चे ने कितनी समझ रखी हुई है, क्या वो आप ही कही जाता कहना यह ना कोई सोचे भी मैंने कोई लिख के दे देता, आप भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो गलों तो लगता भी है बहुत सारिया चीज़ों की समझ उन्होंने हैगी है, हर एक चीज़ की अपडेट भी वो रखता है भी अंदोलन हूँ इस वे की चल रहा है कि नहीं चल रहा, उस तो अलावा की कुछ सरकार का पिछोकड़ रहा वो सारिया चीज़ों बारे भी दसी जाता। सो ये अज की पीढ़ी, ये अज के बच्चे जेडे कि वे होकर अपने हकों के वास्ते लड़नगे।